सभी शिक्षक बंधुओं को मेरा नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है आज के नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम देखेंगे कल स्वतंत्र भारत संवाददाता, ठीक है, समाचार पत्र के जो एक संवाददाता हैं, उन्होंने कई शिक्षा मित्रों से इंटरव्यू लिया था और शिक्षा मित्रों ने क्या क्या समस्या गिनाई वो हम इस वीडियो में देखेंगे। और इसका जो इन्होंने टॉपिक रखा कि आर्थिक तंगी से जूझ रहे शिक्षा मित्रों का छलका दर्द, ठीक है। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे यहाँ पे इस वीडियो में, जो उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो शिक्षा मित्रों के कई संगठन हैं। पहला संगठन है उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ, अन्य संगठन भी हैं और एक संगठन है शिक्षक शिक्षा मित्र उत्थान समिति उत्तर प्रदेश। इसके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गुड्डू सिंह जी ने क्या कहा है, पहले उनकी जो है पूरी बात समझ लेते हैं। उन्होंने ये कहा है कि जब मुद्दा एक है तो शिक्षा मित्रों के इतने संगठन एक मंच पर क्यों नहीं आते। हमारी तरफ से राज्य से लेकर केंद्र सरकार के सभी जिम्मेदार प्रतिनिधियों तक कई बार बात रखी गई, पर पिछले 7 वर्षों में उस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिए जाने से शिक्षा मित्र पूरी तरह टूट चुका है। इसी कारण उसका सभी से विश्वास उठ चुका है। मुख्य संगठन दो, एक टेट का जो कि शिक्षा मित्र उत्थान समिति है, जो प्रदेश के सभी टेट सी टेट उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों की पैरवी कर रहा है। वहीं टेट उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों के बाकी संगठन कभी मांग नहीं रखते। इसके अलावा बहुत से संगठन तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन तक ही सीमित हैं, जिनमें 2-4 सदस्य को छोड़कर और कोई नहीं है। वर्तमान में सक्रिय संगठनों के मात्र 3 संगठन हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ, शिक्षक शिक्षा मित्र उत्थान समिति और प्रदेश और आदर्श शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन। इन संगठनों के अलावा सभी निष्क्रिय हैं और केवल लेटर पैड तक ही सीमित हैं। वर्ष 2017 के चुनाव के संकल्प पत्र में भाजपा सरकार ने 3 माह में न्यायोचित समाधान करने की बात की थी, उसके बाद फिर सरकार बन गई, परंतु उन्होंने अभी तक शिक्षा मित्रों के हित में कुछ नहीं किया है। जबकि अन्य भाजपा शासित राज्यों ने टेट उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों को नियमित कर दिया और नैन टेट शिक्षा मित्रों को बहुत अच्छा 12 माह का मानदेय तथा अध्यापकों के समान अन्य सुविधाएं दे रहे हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण उत्तराखंड है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है। यहाँ आज भी इतनी महंगाई में मात्र 11 माह का 10,000 रुपए मानदेय मिलता है। वर्तमान में शिक्षा मित्रों की जो प्रमुख समस्या आर्थिक तंगी है, क्योंकि वह अपने परिवार की रोजी रोटी नहीं चला पा रहा है और 24 वर्ष की नौकरी के बाद शिक्षा मित्र यही चाहता है कि उसकी नौकरी को नियमित किया जाए और अच्छा वेतन दिया जाए, जैसे उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने किया है। शिक्षा मित्र आर्थिक तंगी व परिवार की जिम्मेदारी से मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से बहुत परेशान रहता है, जिसका असर अवश्य वैश्विक शिक्षा पर पड़ रहा है। अगर उसकी स्थिति सही कर दी जाए तो शिक्षा में गुणात्मक सुधार किया जा सकता है। ये कहा है गुड्डू सिंह, प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक शिक्षा मित्र उत्थान समिति के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये बात रखी है। अब हम अगला इंटरव्यू देखेंगे। कमर तोड़ महंगाई के बीच महज 300 रुपये रोजाना की दहाड़ी पर उत्तर प्रदेश के लाखों शिक्षा मित्र हमारे नौनहालों का जीवन संवारने में जुटे हैं। जिस देश में आईपीएल का सट्टा खेलकर लोग लखपति बनने की जुगाड़ लगा रहे हैं, वहां बच्चों को प्राथमिक शिक्षा से परिचित कराने वाला एक शिक्षा मित्र सुबह से शाम तक 300 रुपये हासिल करने की सुगत में कहीं कई किलोमीटर साइकिल चलाकर अपने विद्यालय तक पहुंचता है, तो कहीं ग्रामीण क्षेत्रों की दुर्गम स्थितियों के बीच परिवार पालने के लिए विवश है। लखनऊ में सरकारी अमले के कानों तक अपनी मजबूरियों की व्यथा सुनाने के लिए जुटी शिक्षा मित्रों की कई संगठनों ने स्वतंत्र भारत के सामने अपनी परेशानियां रखी। शिक्षा मित्र आंदोलन इतना कमजोर क्यों पड़ रहा है? शिक्षा मित्र आंदोलन कमजोर पड़ने का सबसे बड़ा कारण इस गंभीर मुद्दे पर सरकार का उदासीन रवैया है। शिक्षा मित्र संगठनों द्वारा वर्ष 2017 से लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा कोई संज्ञान अब तक नहीं लिया गया है और संगठनात्मक प्रतिस्पर्धा, इसके दोषी स्वयं शीर्ष संगठन है, संभव से समझ सभी समस्याओं के समाधान का प्रयास संगठन का दायित्व होता है, परंतु संगठन के द्वारा उस पर काम नहीं किया गया और आज सभी संगठन अपनी अपनी प्राथमिकता के आधार पर काम कर रहे हैं। भाजपा सरकार से शिक्षा मित्रों को अपने कल्याण की पूरी उम्मीद है। हम सरकार के कृतज्ञ हैं जो शिक्षा मित्रों के जीवन को बचाने के लिए प्रयासरत है। वर्तमान में शिक्षा मित्रों की प्रमुख समस्या आर्थिक तंगी है। इसके अलावा चिकित्सीय बीमा
शिक्षा मित्रों की विभागीय नियमावली मृतक शिक्षा मित्र के परिवार के एक सदस्य को नौकरी और मुआवजा तथा मासिक मानदेय को महंगाई से जोड़ने की मांग अहम यहां पर रखी गई है। शिव कुमार द्विवेदी प्रांतीय अध्यक्ष असमायोजित शिक्षक उत्थान समिति उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने ये बात कही है। अगला हम देखेंगे भाजपा सरकार शिक्षा मित्रों की उम्मीदों पर कितनी खरी उतरी। पिछले 7 वर्षों में शिक्षा मित्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार से न्याय की उम्मीद लगाते आ रहे हैं, जिसका शिक्षा मित्र को अभी तक कोई भी लाभ नहीं मिला है। लेकिन हाल ही में वैश्विक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह द्वारा शिक्षा मित्रों की सभी संगठन के साथ बैठक करना ये दर्शाता है कि पिछले 7 वर्षों से शिक्षा मित्रों की जो तपस्या चल रही थी उसका लाभ मिलने का समय आ चुका है। अब प्रदेश की योगी मुख्यमंत्री की द्वारा शिक्षा मित्रों को बहुत जल्दी ही बड़ी सौगात मिलने की पूरी उम्मीद है। ये कह रहे हैं उबेद अहमद सिद्दीकी, प्रदेश सचिव शिक्षक शिक्षा मित्र उत्थान समिति उत्तर प्रदेश। अब हम बात करेंगे अगले कैंडिडेट की। तो वर्तमान में शिक्षा मित्रों की प्रमुख जो समस्या क्या है वो कह रहे हैं सुशील यादव जी। शिक्षा मित्रों की अलग अलग मुद्दों को लेकर छोटे छोटे समूह बने हैं जो एक साथ आने से परहेज करते हैं। भाजपा अब शिक्षा मित्रों के मामले में पहल कर चुकी है और इसका परिणाम जल्द ही शिक्षा मित्रों को मिलने वाला है। वर्तमान में शिक्षा मित्रों की प्रमुख समस्या आर्थिक तंगी है। शिक्षा मित्र का बहुत कम मानदेय होने से वह परिवार का पालन पोषण करने में अत्यधिक समस्याओं से जूझ रहा है। मेडिकल अवकाश नहीं है, इलाज कराने के लिए शिक्षा मित्र को आयुष्मान योजना से जोड़ा जाए, महिला शिक्षा मित्र को चाइल्ड केयर लीव दी जाए, मूल विद्यालय में वापसी की जाए, महिलाओं को ससुराल के समीप विद्यालय में समायोजित किए जाए, मृतक एवं सेवानिवृत्त शिक्षा मित्रों के परिवार की आर्थिक मदद की जाए। ये कहा है सुशील कुमार, प्रदेश महामंत्री उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ। शिक्षा मित्रों की बदहाली वैश्विक शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा है? ये कह रहा है कि शिक्षा मित्रों ने अपनी बदहाली के बावजूद वैश्विक शिक्षा पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ने दिया है, क्योंकि शिक्षा मित्र कम मानदेय मिलने के बाद भी पूरी लगन मेहनत और ईमानदारी से बच्चों को अपनी समर्थ के मुताबिक बखूबी पढ़ा रहे हैं, जबकि शिक्षा विभाग से मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं से भी शिक्षा मित्र सदैव वंचित रहा है। प्राइमरी शिक्षा को भी आज शिक्षा मित्रों ने ही संभाल रखा है। निपुण लक्ष्य प्राप्त करने में शिक्षा मित्रों का अहम योगदान है। ये हैं हरिनाम सिंह, लखनऊ जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ। तो ये जो पदाधिकारी थे विभिन्न संगठनों के, जो आपने इनके द्वारा कही गई बातों को सुना देखा और आपको अब अमल करना है कि कितने संगठन हैं और कौन सा संगठन किस कार्य में लगा हुआ है। शिक्षक शिक्षा मित्र उत्थान समिति के प्रदेश अध्यक्ष जो गुड्डू सिंह हैं, ये केवल टैट और सी टैट पास शिक्षा मित्रों के विषय में अभी कार्य कर रहे हैं। इनका कहना है कि सबसे पहले जो टैट और सी टैट पास शिक्षा मित्र हैं उनको समायोजित किया जाए उत्तराखंड मॉडल के आधार पर, उसके बाद जो नॉन टैट हैं उनके लिए धीरे धीरे जब भी वो टैट या सी टैट कर लें तो वो मुख्य धारा में जुड़ते जाएं। ये इनकी मुख्य मांग है और इस पे सभी के लिए जो है समर्थन करना चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में सभी शिक्षा मित्रों का भविष्य संरक्षित हो जाए और एक अच्छा मानदेय या वेतन उनको मिलना प्रारंभ हो जाए। तो आज की इस वीडियो में आपने देखी एक रिपोर्ट जो स्वतंत्र भारत के संवाददाता ने ली थी। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नए और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।